अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। फोन लगा के देखता हूं, घर पे होगा तो फोन जरूर उठाएगा। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूं, आ गया हूं यहां, बच सकता तो बच के दिखा। सिर्फ दो गोली, मेरा नाम जतिन है, मैं इनका भाई हूँ, और ये माला मेरी पत्नी। सब बच्चा बहुत छोटा है, पता नहीं उन लोगों ने उसे कुछ खाने के लिए भी दिया होगा या नहीं। आपका बच्चा कितना बड़ा है? 8 महीने का है सर। 8 महीने का बच्चा मतलब आपकी गोद में ही होगा, तो क्या कोई छीन के भाग गया क्या? नहीं सर, मैं अपने बच्चे के साथ खिलौने की दुकान में गई थी, वहाँ जो बच्चों के खेलने की जगह होती है, मेरा बेटा वहीं पर था। अचानक थोड़ी देर बाद जब मैंने वहाँ देखा तो वो वहाँ था ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया वो। ये कब की बात है? सर 3 दिन पहले। 3 दिन पहले बच्चा गायब हुआ है और आप लोग आ जा रहे हैं, उसी दिन क्यों नहीं आए आप लोग? सर वो बच्चे की गायब होने की खबर मैंने जैसे ही अपने पति को बताई तो उन्होंने ये बात किसी और को बताने से साफ मना किया था। क्यों, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि उस दिन घर में एक पार्सल आया था सर, पार्सल में एक मोबाइल फोन था, वो मोबाइल फोन किडनैपर का था सर, हमारा बच्चा उसी के पास है, और
किडनैपर ने हमसे 50 लाख रुपए की मांग भी की है। अच्छा फिर? फिर जब मेरे पति पैसे लेकर उसके पास गए, उस दिन के बाद से वो घर वापस आए नहीं है सर। मतलब सर, बच्चा भी गायब है और पति भी वापस नहीं आए। ये पैसे लेके कहाँ पे बुलाया था किडनैपर्स ने? सर मड आइलैंड, गली नंबर 9, पोस्ट बॉक्स के पास। गोटको मॉल। पहले उस खिलौने की दुकान में पूछताछ करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे? यही है वो किड सेक्शन जहाँ से बच्चा गायब हुआ। जरा धीरे बोलिए, कस्टमर्स क्या सोचेंगे? मेरे बिजनेस पे असर पड़ेगा सर। सर वैसे आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं सर? उसी बच्चे की बात कर रहे हैं जिसका 3 दिन पहले अपहरण हुआ था यहाँ से। नहीं नहीं सर, वो औरत थोड़ी पागल सी है। बच्चा घर पर ही था और वो उसे यहाँ ढूंढ रही थी। बच्चा अब तक मिला नहीं है, गायब है बच्चा। सर उस औरत ने झूठ क्यों बोला? उसके पति का तो फोन आया था, उसे कह रहा था बच्चा घर पर ही है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखनी है हमें। मैडम इधर का सीसीटीवी कैमरा तो काफी तरह से खराब है। तो ठीक करवाना चाहिए था ना, इतने बड़े मॉल में आपका सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। अजय सर, किड सेक्शन में कितने लोग काम करते हैं? सर मेरे अलावा 6 लोग और हैं। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद एक बच्चा यहाँ से गायब हो गया और आप लोग को पता तक नहीं चला। बुलाइए सबको, बात करनी है उनसे। ये लेन नंबर 9, दोनों तरफ अच्छी तरह से देखो, आजकल ये पोस्ट बॉक्स ठीक से दिखते नहीं है। देखो जरा, वो है उधर उधर। अभिजीत, ये गगन पैसे लेकर यहीं पर खड़ा था, फिर गायब हुआ कहाँ? सर ये एरिया बिल्कुल सुनसान भी नहीं है, आसपास बंगले हैं, लोग भी आते जाते रहते हैं। ये तो तुमने गया कहाँ? सर हाँ विवेक, वो देखिए सर, वहाँ झाड़ियों में एक बैग पड़ा हुआ है। बैग में कुछ भी हो सकता है, बम भी हो सकता है। चलो देखते हैं। पहले देखो बैग में क्या है। बैग में बहुत सारे पैसे भरे पड़े हैं सर। पैसे? अच्छा बैग लेकर आ। यस सर। ये देखिए सर। जरूर ये गगन का बैग होगा सर, पैसे लेके आया होगा किडनैपर्स को देने के लिए। ये फिर किडनैपर ने पैसों को हाथ क्यों नहीं लगाया? और फिर गगन और उसका बच्चा वो कहाँ है? नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। पूर्वी काम करो, प्रीति को फोन करके बुला लो और अभिजीत आसपास के बंगलों में पूछताछ करते हैं, किसी ने कुछ तो देखा होगा। अरे सुनो जरा, रुको। नमस्ते साहब, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? तुम यहीं पर काम करते हो? अरे सर, इस एरिया के जितने भी बंगलो हैं उसकी देखभाल मैं ही करता हूँ। सारे बंगलों की देखभाल अकेले करते हो? अरे साहब, कोई भी यहाँ आता जाता है ना, वो मेरी नजरों से नहीं बच सकता। तो फिर कल शाम को उस पोस्ट बॉक्स के वहाँ किसी आदमी को खड़े हुए देखा था 7:30 और 8 बजे के बीच में? आप लोग कौन है? CID, एक बच्चे का अपहरण हो गया समझे, उसके पिताजी यहाँ पर आए थे उसे ढूंढते हुए, पोस्ट बॉक्स के पास खड़ा था यहाँ पे, शाम को देखा था। सर मैं रोज 7 बजे के आसपास घर चला जाता हूँ खाना खाने के लिए, और थोड़ा मूड भी बना लेता हूँ साहब, और फिर आके सो जाता हूँ।
अभी तो कह रहा था कि मेरी आंखों से कोई बच नहीं सकता, है? एक दो सवाल क्या पूछे, भेद खुल गया? तुमको यहाँ पे देखभाल करने के लिए रखा गया कि सोने के लिए? पर साहब, यहाँ के बंगलों में कोई नहीं रहता है, भला यहाँ कौन आएगा रहने के लिए? साहब, यहाँ सप्ताह में एक ही दिन शनिवार को लोग आते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। पक्का तुमने कल शाम को किसी को भी नहीं देखा था इधर आते या जाते हुए? हाँ सर, देखा था। कल मेरे जाने से पहले दो लोग आए थे बाइक पे। कौन आए थे, किस तरफ गए थे वो? वो दोनों उस तरफ जा रहे थे। उस तरफ, तुम जानते हो उनको? नहीं साहब। अच्छा, क्या है उस तरफ? उधर चार बंगले। चार बंगले, अभिजीत चलकर देखते हैं। तुम सबकी मौजूदगी में यहाँ किड सेक्शन से एक बच्चा गायब हो गया, कौन जिम्मेदार है उसका? सर, हम लोग जिम्मेदार क्यों होंगे, हमने किडनैप थोड़ी किया है सर। हो सकता है तुम में से कोई शामिल हो इस किडनैपिंग में। ये आप क्या कह रहे हैं सर, हम यहाँ काम करने आते हैं, किसी को किडनैप करने नहीं। तो फिर बच्चा यहाँ से गायब कैसे हो गया? तुम सब लोग थे ना यहाँ पर? मैम, हम लोग थे, मगर सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैम, मैनेजर साहब, आप तो कह रहे थे कि इस बच्चों के सेक्शन की देखभाल छह लोग करते है ना? जी सर। मगर यहाँ पे तो पांच लोग है, ये छठवां कहाँ गया, बुलाओ उसे। सर, वो काफी दिनों से नहीं आ रहा है सर। क्या, कब से काम पे नहीं आया? सर, जिस दिन से बच्चा गायब है उस दिन से। सर, कहीं यही तो किडनैपर नहीं? हो सकता है काजल। क्या नाम क्या है उस आदमी? हितेश। सामने वाले बंगले में एक लाश पड़ी है। गगन, किडनैपर ने बच्चे के बाप को भी मार दिया। हाँ मां, प्रीति को लेकर पीठ पे गोली मारी है, मगर खून सूखा हुआ है। इसका मतलब है जब ये पैसे लेकर आया था तभी किडनैपर ने इसे मार दिया। आप प्लीज बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। प्रीति चुप हो जाओ। देखो, सुनो मेरी बात, सुनो, तुम्हारे बच्चे को हम ढूंढ निकालेंगे, लेकर आएंगे तुम्हारे बच्चे को, और गगन के खूनी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। घबराओ मत, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकर आएंगे बच्चे को तुम्हारे, लेकर आएंगे, ठीक है? सर, हाँ अभिजीत, अभिजीत, माय गॉड, क्या हुआ? नब्ज चल रही है सर, बेहोश है। ये तो शराब पिया है, इतनी पी रखी है तो बेहोश ही होगा। दया, 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 दया,
आया, इसने मारा है मेरे पति को। आप लोग जानते हैं सर इसको? ये हमारा सीआईडी ऑफिसर इंस्पेक्टर दया है। सर आपके इंस्पेक्टर ने मेरे पति का खून किया है सर। नहीं, दया ने उसका खून नहीं किया है। नहीं सर, इसी ने मारा मेरे पति को। देखिए देखिए, इसके हाथ में गन भी है सर। प्रीति, जरा समझने की कोशिश करो, ये एक सीआईडी ऑफिसर है और कोई भी सीआईडी ऑफिसर किसी बेगुनाह की जान नहीं लेता। वो मुझे नहीं पता सर, पता नहीं इसने मेरे गगन को क्यों मारा। बच्चे को बचाने आया था यहाँ पे सर, इसे क्यों मारा मेरे पति को? अगर दया ने कुछ गुनाह किया है तो उसे हम सजा देंगे, लेकिन प्लीज तुम शांत हो जाओ, बाहर ले जाओ इसे। समझ में नहीं आता कहां से शराब पीकर आया ये। उठाओ उसे, उठाओ, ले चलो हॉस्पिटल। इस गगन का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। गगन क्यों मारा दया ने इसे? कोई तो वजह होगी जो दया ने इस गगन को मारा है। वाकई में तुम्हें चोट लगी हुई है या फिर बहाना बना के लेटे हुए यहाँ पे? एक तो बिना बताए मेरे घर में घुसाए आप लोग, और ऊपर से मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मजाक नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुमसे वो बच्चा कहाँ है। बच्चा? आप लोगों का दिमाग सनक गया है। दिमाग नहीं सनक गया है, बल्कि उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसे तुमने खिलौने की दुकान से किडनैप किया था, जहाँ तुम काम करते हो। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी सर, मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ? सर मैं 3 दिन से काम पे नहीं गया हूँ, आप बताइए मैं कैसे बच्चे को किडनैप कर सकता हूँ? परसों तुम काम पे नहीं गए थे? हाँ नहीं गया सर, परसों से एक दिन पहले ही मेरी ये हालत हो गई। ये सब हुआ कैसे तुम्हारे साथ? 3 दिन पहले मैं शाम को काम से घर लौट रहा था, रास्ते में मुझे एक आदमी मिला सर, वो मुझे मारने लगा। क्यों मार रहा था, तुमने पूछा नहीं? मैंने उससे बहुत पूछा मगर उसे कुछ भी नहीं बताया, वो लगातार मुझे मारता ही रहा बस। उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं देखा सर, उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था, लगातार मुझे मारते जा रहा था सर। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, और जब मेरी आँख खुली तो मैं घर में था सर। कहीं उसका इरादा चोरी करने का तो नहीं था? नहीं सर, उसने कुछ भी नहीं चुराया, सिर्फ मेरी यूनिफॉर्म लेके गया सर। ये सब उसने यूनिफॉर्म के लिए किया, और उसी यूनिफॉर्म को पहन के बच्चे को भी किडनैप किया उसने। कौन हो सकता है ये? रड़ी, ये कोई घर का ही आदमी है जिसे अच्छी तरह से पता था कि माँ और बच्चा मॉल में जाने वाले शॉपिंग के लिए। इंस्पेक्टर दया शराब कब से पीने लगे? किसने कहा आपसे इंस्पेक्टर दया शराब पीते हैं? अरे आप ही की तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर दया शराब के नशे में लाश के पास पड़े हुए थे। कहां से मिल गई? देखिए वो ऐसा ही लिखा है, इंस्पेक्टर दया शराब को हाथ भी नहीं लगाते। मतलब आप लोग रिपोर्ट को बदलने वाले हैं? ओरिजिनल रिपोर्ट की कॉपी है हमारे पास, आप इंस्पेक्टर दया को बचा नहीं सकते। ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं बदली जाएगी। इन लोगों ने अभी तक उस खूनी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार तक नहीं किया है। देखिए जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। आम जनता सीआईडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बेकसूर लोग सीआईडी के हाथों यूं ही मरते रहेंगे बस। पता नहीं मेरे बच्चे को कहां छुपा के रखा है। आपका बच्चा जहाँ भी होगा हम लोग उसे बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सर पहले आप अपने उस ऑफिसर को बुलाइए सर, कहाँ छुपा के रखा है आपने उसे, उसे उसे बताइए कि हमारा बच्चा कहाँ है। देखिए दया को कुछ भी नहीं मालूम है, ये सब किसी और ने किया है। क्या सबूत है आपके पास कि ये सब किसी और ने किया है? सबूत भी मिल जाएगा, बहुत जल्द सबूत मिल जाएगा आप लोगों को, अभी आप लोग जाइए यहाँ से। नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे यहाँ से। अपने पति के मौत का पता जरूर लूंगी आप सब। यस डॉक्टर सांके,
सारुंखे मामला गड़बड़ है सर। क्या हुआ सारुंखे? बस दया ने खून कर दिया है। क्या? इस आदमी को जो गोली लगी है वो दया की गन से चली है। क्या कर दिया दया ने? इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा मुझे। नहीं सर, दया ऐसा नहीं कर सकता सर, आपको तो मालूम है सर। हाँ मालूम है मुझे, लेकिन कंप्यूटर भी तो झूठ नहीं बोलता। हाँ मानता हूं कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता है और आपसे कभी गलती नहीं होती है, लेकिन एक बार और सर, एक बार और टेस्ट करके देख लीजिए, आपसे भी भूल चूक हो सकती है। सर तुमने क्या इसे बच्चों का खेल समझ लिया? जब अपने सीआईडी ऑफिसर की बारी आई तो सालू के बचा लिया, और जब कोई और क्रिमिनल हुआ तो सालू के फंसा नहीं थे। कब कहा हमने तुम्हें किसी को फंसाने के लिए? कहा नहीं तो क्या हुआ, मतलब तो तुम्हारा यही है। तो तू क्या बदला ले रहा है हमसे? दया को फंसा कर बदला ले रहा? मैं तो कहता हूं ये दया की गत है ही नहीं। ये एसीपी प्रद्युमन बोल रहा है? हाँ एसीपी प्रद्युमन बोल रहा है, वो गन दया की नहीं है। दिखा मुझे दया की गन। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखा सकता तू? बॉस कुछ भी हो जाए वो गन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। अरुखे मुझे दया की गन दिखा। नहीं दिखा सकता मैं वो गन। तो ठीक है अभिजीत, इन सबको बाहर लेकर जाओ, आज तो इस पार या उस पार होकर ही रहेगा। बाहर चलिए आप लोग। तारिका तुम भी बाहर जाओ। नहीं सर मैं नहीं जाऊंगी। तारिका बाहर जाओ। सड़ूखे दया की गन मुझे दे। नहीं बस मैं अपने काम से गद्दारी नहीं कर सकता। दया की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। मुझे गन दे दे सड़ूखे। दया अगर मेरा छोटा भाई होता तब भी मैं यही कहता जो अभी कह रहा हूँ। खून दया ने किया है। सड़ूखे दया की गन मुझे दे। नहीं तू ऐसे नहीं मानेगा सड़ूखे। सड़ूखे दया की गन मुझे दे दे। नहीं बस ये गन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो गन मुझे दे सड़ूखे। किसी भी कीमत पर नहीं। क्या हुआ तुम लोग यहाँ क्यों? अरे यार एसीपी साहब ने अंदर गन निकाल ली है। क्या? अरे गोली लगी क्या? नहीं मैं एक्चुअली एक बार फिर से फायर करके देख रहा था, गन की रिटॉर्ट से गिर गया। अब पांचवी बार आप लोगों के सामने फिर से चेक करके बताता हूं दरअसल ये गोली किसने चलाई है। ये कौन है? तुम जानते नहीं इसे? नहीं सर कौन है ये? सारुंग क्या कह रहा है कि तुमने इस पर गोली चलाई। क्या डॉक्टर साहब आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? कोई मजाक नहीं दया, पांचवी बार मैंने तुम्हारी गन से फायर करके बुलेट मैच करके देखा है। ये देखो ये तुम खुद देखो कंप्यूटर क्या कह रहा है। मैच हो रहा है बॉस, ये आदमी तुम्हारी गन से तुम्हारे हाथों से मारा गया है। मैं इस आदमी को जानता नहीं हूं, पहली बार देख रहा हूं सर इस आदमी को, और ना ही ये कोई गुनहगार है, तो बिना बात के किसी के ऊपर मैं गोली क्यों चलाऊंगा? वही तो हम भी जानना चाहते थे कि बिना बात के तुमने क्यों गोली चलाई इस पर। सर मैंने गोली नहीं चलाई इस पे। जिस बंगले में इस आदमी की लाश मिली ना वहां पर तुम भी बेहोश मिले थे शराब के नशे में। मैं शराब के नशे में? अभिजीत तुम तो जानते हो यार। हाँ वो जानता हूँ यार, लेकिन जो कुछ आंखों से देखा है उसे उसे कैसे झूठा साबित करोगे तुम? बताओ दया क्या वजह थी जो तुमने इस पर गोली चलाई? सर मैंने किसी और पे गोली चलाई थी। क्या मतलब तुमने किसी और को भी मारा है? हाँ मुझे मालूम नहीं वो मरा है या नहीं, मैंने प्रभात पे गोली चलाई थी। वो सुपारी किलर जो पैसे लेके लोगों का खून करता है? हाँ ये है उसकी फोटो। मैं कई दिनों से इसका पीछा कर रहा था,
इसके साथ मेरा एनकाउंटर हो गया सर। तय अगर तुमने प्रभात पे गोली चलाई थी तो इसकी लाश कहाँ गई? हमें वहां सिर्फ एक ही लाश मिली थी, इस आदमी की, गगन की। क्यों गए थे उस बंगले में दया? किस लिए? सर मुझे खबरी ने बताया कि प्रभात उस बंगले में छिपा हुआ है और अचानक प्रभात ने मुझ पर गोली चलानी शुरू कर दी और रिटेलिएशन में मैंने उस पर फायर कर दिया। तो फिर प्रभात की लाश कहाँ है? कहाँ है प्रभात की लाश? और फिर प्रभात की लाश की जगह ये इस आदमी की लाश कहां से आए? और सर प्रभात यहां इस कमरे में था सर। प्रभात इस कमरे में था सर। तब तुम कहां थे? प्रभात सामने छत के ऊपर था सर। और जब प्रभात ने तुम पर गोली चलाई उस वक्त तुम कहां पर थे? सर मैं छत के ऊपर से भाग के यहां आया तब उसने मुझ पर गोली चलाई। गोली मुझे लगने से बाल बाल बच गया सर। मैं उसके बाद पैर फिसल गया और मैं नीचे आके गिरा। मगर दया जब हम लोग आए थे तब तो तुम यहां इस कमरे में बेहोश पड़े थे और तुम्हारे शरीर से शराब की स्मेल आ रही थी। अब जी जैसे मैंने प्रभात पे गोली चलाई उसके बाद दया चा? तुम अचानक बेहोश हो गए, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? नहीं सर, कोई ना कोई तो था यहां पे सर जिसने दया को बेहोश किया है। मगर कैसे अभिजीत, कैसे बेहोश किया उसने दया को? कुछ सुंगाया वगैरह तो नहीं? नहीं सर, किसी ने कुछ सुंगाया तो नहीं, और यहां कोई और था भी नहीं। हो सकता है दया उस आदमी ने यहां पे कोई नशीली चीज स्प्रे कर दी हो। जब तुम इस कमरे में गए सांस के साथ वो जहरीली गैस तुम्हारे अंदर गई और तुम बेहोश हो गए। जरूर इस प्रभात के अलावा कोई ना कोई तो था जिसने सारा प्लान किया। कौन? कौन? ये क्या? ये क्या है? क्या क्या है अभी? ये तो कैप्सूल जैसा कुछ लगता है। कैप्सूल नहीं है, माय गॉड, अजीब सी स्मेल है। नहीं ये कैप्सूल नहीं, कुछ और ही चीज है सर। किडनैपर बच्चे को किडनैप करता है, पैसे भी मंगाता है। बच्चे का बाप पैसे लेके जाता है तो पैसे लेने से मना कर देता है, और पैसे लेने के बजाय वो बाप का खून करता है। खून करके फंसा देता है दया को। दया को? मगर ये उसे कैसे समझाएं? उसे किसे सर? वही हमारा डीसीपी शमशेर। हाँ डीसीपी शमशेर कानू चित्रोले। सर इस आदमी का नाम मत लीजिए सर, इससे ज्यादा खड़ूस आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आप इंग्लैंड गए थे ना सर 5-6 साल पहले? ये आदमी यहां पर आया था ब्यूरो में। मालूम है अभिजीत, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। उस समय बाल सफेद थे सर, अभी सुना है बाल वाल काले करके घूम रहा है। अरे ये बाल तो सफेद काले होते ही रहेंगे मौसम के हिसाब से। इन्होंने सुन लिया सर, मर गए अब तो। एक आदमी ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जान दे दी उसने अपनी। वो जान ली किसने? जिनको लोगों की रक्षा करने के लिए रखा गया था उन्होंने ली। सर दया ने उसे नहीं मारा। एसीबी प्रद्युमन लक्षा ठेवा, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो बिल्ली भाग नहीं जाती है। सच्चाई सामने खड़ी है। साळुंखे ने लाश में से गोली निकाल के दी है ना? यस सर। दया सर गोली किसकी गन में से चली? मेरी गन में से सर। जिसके हाथों से खून हो जाता है उसे फौरन गिरफ्तार करके जेल में पहुंचाया जाता है ताकि वो और किसी की हत्या ना कर सके, है ना? हाँ सर। और यहाँ पे तो एसीपी साहब ने अपने लाडले ऑफिसर को सस्पेंड भी नहीं किया है, ये हो क्या रहा है सीआईडी में?
करकरा चल रहा है सर। दया को किसी ने फंसाने की कोशिश की है। ओ दया को ही क्यों? मैं भी तो यही कह रहा हूं सर कि दया सर को कोई क्यों फंसाएगा। ओ बच्चा होशियार हो गया है। रदवन साहब एक तो महीने में एक बार तो इसका दिमाग चल ही जाता है। तो फ्रेडी पहले माले पे कोई रहने के लिए आया है कि नहीं या खाली अभी तक? हंस के रहे हो तुम? सॉरी सर। करते क्या यहाँ पे, उछल कूद? नहीं सर, वो मैं सर सर हम लोगों को लगता है कि दया ने खून नहीं किया है। तहकीकात करनी है? तहकीकात जारी है सर। सस्पेंड। अभी क्या? अभी बाद में जो करना है करो। आप क्या कह रहे हैं सर? सर मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाएंगे तो मुझे भी काम नहीं करना सीआईडी में। दया चुप रहो तुम। सीआईडी ऑफिसर्स के गन्स में से निकली हुई एक एक गोली का हिसाब देना पड़ेगा। एक एक गोली का, कब चली, कितनी चली और क्यों चली। तुम लोगों को गन्स खून की नदियां बहाने के लिए नहीं दी गई हैं। सर आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अच्छा अपराधी अगर सामने से गोली चलाए तो हमें क्या करना चाहिए? ओ ओ सर जब भी कोई आदमी एक पुलिस ऑफिसर पे गोली चला देता है तो बाद में भी गोली चलाएगा, किसी और को भी मारेगा। तो इसका मतलब उसका खून कर दोगे? 10-10 गोली मारोगे उसको? बोलो जवाब दो। हाँ सर, उसका जिंदा रहना जायज नहीं है। ओ तो तुम लोगों ने यहाँ पे न्यायालय खोल रखा है। दया को सजा दिलवाने के बजाय उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये लोग अपनी जान तक पे खेले हैं सर। अच्छा सर एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने कभी गोली खाई है? मैंने? हाँ। कभी इनकाउंटर हुआ आपका अपराधियों के साथ? नहीं। कभी गोली चलाई है? ना मुझे तो यह गोलियों की आवाज ही पसंद नहीं है। ओ, सर को गोलियों की आवाज पसंद नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या कर देते अभी तक। अभिजीत को 10 बार गोली लग चुकी है सर, और दया तो एक बार मर ही गया था। मरा तो नहीं है। कहना क्या चाहते हैं सर आप? हम लोग मर जाएंगे तभी आपको खुशी मिलेगी? देखो अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता सर। ये रहा हमारा। ओह ये तो अच्छा हो गया सर। प्लीज सर देखिए दया जोश में है। दया 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 अरे जाने दो, दरवाजे तोड़ने के अलावा करा क्या आज तक इसने? अपनी जिंदगी दी है सीआईडी को। जिस आदमी के सीने में दिल नहीं है वो क्या समझेगा कि हमने क्या दिया है? ये मुझे बोला? मुझे? हाँ। दिमाग से काम लेना होगा। अपनी पूरी लाइफ दी है सीआईडी को और एडीसीपी इस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे। अरे यार इस डीसीपी का भी कोई बाप बैठा होगा ना ऊपर जो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। मैं मानता हूं अभिजीत कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मगर हम लोग भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना। जब जब ये आदमी आया ना ब्यूरो में सब कुछ तहस नहस कर दिया है, सब उल्टा पुल्टा कर देता है। इस डीसीपी के मुंह से सिर्फ सड़ी सड़ी बातें निकलती हैं। मेरा रेजिग्नेशन देखकर कैसा खुश हुआ, देखा ना तुमने? देखा यार देखा। बहुत टेढ़ा आदमी है, उसे टक्कर लेना इतना आसान भी नहीं है। और फिर सबूत भी तुम्हारे खिलाफ है यार। ये खून मैंने नहीं किया अभिजीत, मैं जानता हूं यार दया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तुमने खून नहीं किया, लेकिन ये सच्चाई सच्चाई साबित करने के लिए कुछ तो सबूत दिखाना पड़ेगा ना यार। अपनी लाश लाके रख दो, वही सबसे बड़ा सबूत। दया क्या कह रहा है?
एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से निकले ना बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोस्त मानते हो ना मुझे है? दोस्त से भी बढ़कर भाई मानता हूं मैं तुम्हें। तो भरोसा रखो यार, भरोसा रखो मैं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। थैंक यू विजय, थैंक्स। क्या तुम ये बताओ ये खबरी ने तुमको बोला क्या था? वो खबरी मुझे खुद लेके गया था बंगले में। उसने कहा कि वो प्रभात छुपा हुआ है। इस खबरी को पकड़ते हैं। कुछ चाल चली है, इस खबरी नहीं चली है। साला इसीलिए तो आज इंग्लिश बिला रहा है। बहुत दिन से तुम्हारा उधार था, सोचा आज उतार देता हूँ। अबे तू तो उधार भी रहा है, इसको इसने तो साले ने आज तक एक पार्टी भी नहीं दिया। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, पुलिस की धाड़ पड़ने वाली है। अरे जल्दी से भागो यहाँ से, एनकाउंटर होने वाला है किसी का। भागो, 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 भागो। नमस्कार साहब, आप लोग यहाँ बार में? क्रांत आ गया है हेमंत। साहब मैं तो आपका खबरी हूँ। प्रभात की खबर तूने दी थी? कौन प्रभात साहब? कौन प्रभात? प्रभात को नहीं जानता ये। मंड वाले बंगले में कौन छुपा था? मैं किसी प्रभात को नहीं जानता। तो दया को खबर किसने दी? मैंने कोई खबर नहीं दी साहब। तूने मुझे प्रभात की खबर नहीं दी थी? प्रभात की खबर दी थी क्या? नहीं, मुझे किसने खबर दी थी? छोड़ूंगा, बल छोड़ूंगा यहाँ पे। यार एक इल्जाम तुम्हारे ऊपर पहले से है, ये मर गया तो क्या होगा? किसने भेजा था? किसने बोला था तुझे दया को बंगले में भेजने के लिए? अब मैंने इनको कहीं नहीं भेजा था। ये खुद मारेगा तो बंगले में मुझे। प्लीज आप क्यों झूठ बोल रहे हो इस गरीब को? मैं आपको कहीं नहीं लेके गया था। अभिजीत हम लोग चलते हैं, तुम देखो तुम्हें क्या करना है, मगर अच्छी जगह देखकर इसकी लाश को गाड़ देना। देख मन, तूने सीआईडी की बहुत मदद की, लेकिन अब आके तूने गद्दारी कर दी है। गद्दारी की एक ही सजा है, मौत। ठीक है दादा, आपको मारना मार डालो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं दया सर को कहीं नहीं भेजा। क्या किया अभिजीत? मार दिया? मेरे कान फट गए साहब, मेरे कान फट गए। चुप बोल, दया को खबर दे थी? नहीं साहब नहीं। दया, देखो दया, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करना, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। मगर सर, सर पे बदनामी का बोझ लेके मैं घर में कैसे बैठूंगा सर? अरे यार दया, सीआईडी की बदनामी का डंका तो चारों तरफ बज रहा है, अब कुछ दिनों तो तुम्हें घर में बैठना ही पड़ेगा। और तो और दया, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, और तुम्हारा वो खबरी अपनी जान देने के लिए तैयार है लेकिन सच्चाई बताने के लिए नहीं।
इस खबरी को तो नहीं छोड़ूंगा मैं सर। हम लोग नजर रखेंगे उस पर, ठीक है? जा, घर जाके सो जा। हम लोग चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। जिस तरह से दया ने फोन पे बोला था, लगता है वो किसी मुसीबत में है। Thank you.